नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा सिंह, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। रखते हैं क्योंकि मैं पप्पा को राखी बांधती हूँ बचपन से, तो भाई मानती हूँ। और जब मुन्नी के शहर में रह रहे और पप्पा को मैं बहुत सालों से चाह रही थी कि मैं घर लेके आऊँ, पर मैं लेके नहीं आ पा रही थी क्योंकि जब आप अकेले रहते हो तो आपको बहुत सारा वो रहता है, बर्डन रहता है और आसान नहीं है पप्पा को घर लाना। बहुत सारी तैयारियाँ करनी पड़ती हैं इनके आने से पहले। लेकिन लास्ट ईयर ही मैंने सोचा था कि कुछ भी हो जाए मैं देख लूँगी पूरा, और मैं डेढ़ दिन का सही बदलाऊँगी ज़रूर। और लास्ट ईयर भी बहुत अच्छे से पप्पा आए थे, पप्पा ने बहुत आशीर्वाद दिया, और इस साल भी आए हैं। और अभी मैंने घर शिफ्ट किया है और नए घर में पप्पा आए हैं, वो तो उनका आशीर्वाद डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। मुझे एक साल में क्या बदलाव आया है? बहुत बदलाव आए हैं पिछले एक साल से मेरे जीवन में। आई थिंक करियर वाइज भी बहुत बदलाव आए हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जिस करियर में इतने सालों से काम कर रही हूँ मेरा करियर चेंज हो जाएगा थोड़े टाइम के बाद। बट येस, मुझे लगता है कि हमसे बेटर, मुझे लगता है कि पप्पा जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो अगर उन्होंने चुना है मेरे लिए तो सही चुना होगा, बस थोड़े दिनों में सबको पता चल जाएगा आई थिंक सो। थोड़ी सजाया ये पप्पा को पप्पा, बट जब मैंने देखे थे तब पप्पा ऐसे नहीं थे। लेकिन जो जिन्होंने ये बनाया है उनको मैंने स्पेशली मेंशन किया था कि प्लीज़ सुंदर एकदम चमकते हुए होने चाहिए पप्पा। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि उनके कान भी बहुत बड़े हैं और उनको भी बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया डायमंड्स लगा के, तो बहुत सुंदर है पप्पा। और वैसे ही सुंदर है, लेकिन मुझे जब मैं उनको देखती हूँ मैं रात से वेट कर रही हूँ कि कब, जबकि मैंने तो देखा ही है कल जब इनको मुख बंद करने से पहले, लेकिन मैं फिर भी वेट कर रही हूँ कि कब मुख खुलेगा, कब मुख खुलेगा, कब मैं पूरा दिन को देखूँगी। और यस, इमोशनल हो जाती हूँ। लास्ट ईयर में मैं रोने लग गई थी कि आते हैं, और फिर अभी क्योंकि मैं सिर्फ डेढ़ दिन के रखती हूँ और ये चले जाएंगे, बट हाँ इनकी ब्लेसिंग, इनका आशीर्वाद, इनका प्यार मेरे और मेरे जितने भी परिजन हैं, मेरे जितने दोस्त हैं सबके साथ है। क्या कहना चाहेंगी? हाँ, क्योंकि इनका शहर है, लोग इनको मानते हैं। मैं एक्चुअली चाह रही थी और इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर, पप्पा ने चाहा, पप्पा का आशीर्वाद आ, तो मैं जम्मू में अपने शहर में 11 दिन के पप्पा लेके आऊँगी, क्योंकि हमारे वहाँ पे रिवाज नहीं है पप्पा को ऐसे इस तरह से लाने का। वहाँ पे गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल नहीं बनाया जाता इस तरह से, तो मेरी प्लानिंग है इस साल, क्योंकि मैंने जब तक सोचा तो मेरे पास समय बहुत कम था। बट नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली अगर पप्पा चाहेंगे, पप्पा का आशीर्वाद रहेगा, तो जम्मू में 11 दिन के पप्पा बिठाऊंगी और पूरा दो टाइम का सबको खाना भंडारा सब चलेगा बस। तो मुझे लगता है कि होना चाहिए, ये चीज़ आपको बांधती है। जैसे हम एक्टर्स हैं तो हम सबको मैसेजेस भेजते हैं कि मेरे घर पप्पा बैठे आइए, तो ये आपको जो लोगों से आप बहुत दिनों से नहीं मिले हैं उनसे मिलते हो, उनके साथ बात करते हो, एक गेट टुगेदर भी हो जाता है और पप्पा की ब्लेसिंग सबको मिलती है। जम्मू में 370 धारा हटाए जाने के बाद पहली बार पप्पा आप ही रहते हैं, लेकिन 370 की धारा हटाए जब पाकिस्तान वाले काफी बौखला गए हैं, सीधी बातें कर रहे हैं, कुछ इंडिया के भी पॉलिटिशियन है जो विपक्ष है वो भी उल्टी सीधी सरकार के बारे में, आपकी क्या राय है? देखिए, मैं क्योंकि जम्मू सिटी से पली बड़ी हूँ और हमने देखा है कि जम्मू में बहुत सारी प्रॉब्लम्स पहले थी, रोज़गार की बहुत कमी थी, वहाँ के लोगों की सोच बहुत थी ज़्यादा विस्तृत सोच नहीं है, वो बहुत बड़े लेवल पे नहीं सोचते क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं थी। और जो बच्चे पढ़ते भी हैं या पढ़ रहे थे पहले, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वो मुझे बोलते थे यार जम्मू में रखा क्या है, जम्मू में रखा क्या है। तो जो वो लोग बोलते थे कि क्या रखा है जम्मू में, आई थिंक वो चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाएंगी, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, रोज़गार मिलेगा, काम मिलेगा, आगे बढ़ने की और दिशाएं मिलेंगी, और बहुत सारी चीज़ों में फ्रीडम वाइज भी बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी। रही बात पॉलिटिशियंस की और पाकिस्तान की, देखिए मुझे लगता है कि हमारे पीएम ने जो फैसला लिया है, मेरा पर्सनल ये था कि अगर ये चीज़ हो सकती थी तो बहुत समय पहले हो जाना चाहिए था। आप ने ज़बरदस्ती लोगों को धर्म में बांट कर, ये सब में बांट कर, ये सब मतलब अपने रूल चलाने के लिए एक स्टेट के ऊपर इस चीज़ को हथियार बना के रखा है। तो मुझे लगता है कि आप उस चीज़ का हथियार मत बनाओ ना, आप अपनी पब्लिक के लिए, अपनी जनता के लिए सोचिए। अगर श्रीनगर में भी ये चीज़ लोग विरोध कर रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि उनको क्या लग रहा है कि बाहर का कोई आएगा तो हमारी ज़मीन हड़प लेगा। अरे ज़मीन आप बेचेंगे तो कोई लेगा ना, आप नहीं बेचेंगे तो कोई नहीं हड़पेगा।
और जैसे मैं बॉम्बे में रह रही हूँ, मेरा बॉम्बे में अगर अपना घर है, मैंने खरीद रखा है, तो बाकी लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो हमारे शहर में आए, वहाँ की ब्यूटी देखे, उनका भी वहाँ घर हो। तो ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है इसको, लेकिन दूसरी तरह से पेश करके लोगों को भड़का के और लोगों के माइंड में इस चीज़ का गलत धारणा बनाई जा रही है ये कि भाई बाहर के लोग आ जाएंगे। बाहर के कौन लोग, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब एक फैमिली है, तो बाहर का कोई भी नहीं आएगा। यह है कि हमें और यूनिटी हो जाए।